ये चैट जीपीटी की थर्ड वीडियो क्रिएट की जा रही है। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे, क्विज़ बोर्ड बनाना सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो ये इंग्लिश में मैंने जो है प्रॉम्प्ट लिख दिया है, अगर किसी को ये इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता तो वो उर्दू में प्रॉम्प्ट लिखे और चैट जीपीटी पे जाके उसे बोले कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, तो वो जो है ग्रामर को भी सेट कर देगा और बिल्कुल एक्यूरेट जो इंग्लिश में प्रॉम्प्ट बना देगा। तो मैंने इसको कहा है कि भाई एक जो है चैट बोर्ड मुझे बना के दें जो मुझसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, और वो रिलेटेड हो पार्ट ऑफ स्पीच से, और मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और जो क्वेश्चंस हो वो वन बाय वन पूछे, और जब तक मैं आंसर ना दूं तो दूसरा क्वेश्चन ना आए, और एट दी एंड मुझे जो है उसका रिज़ल्ट भी बना के दे, और टोटल एमसीक्यूज जो है 5 हों, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, और हर एमसीक्यू जो है 20 मार्क्स हो आप ये भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। मैं अभी जो है टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैं 5 एमसीक्यूज बनवा रहा हूँ और एक एमसीक्यूज को मैं 20 मार्क्स दे रहा हूँ। तो इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और चैट जीपीटी पर आते हैं जो कि पेड वर्जन है, इस पर पेस्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो मैंने इसे जो है चैट बोर्ड लिखा था तो ये पूरा जो है वो चैट बोर्ड बनाने लग गया था। तो मैंने फिर क्या किया, इसे लिख दिया कि क्विज़ टेस्ट मुझे बनवाना है। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और अगेन यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए, इसने मुझसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन, तो ये होता है एडजेक्टिव। मुझे एडजेक्टिव नहीं लिखना, मुझे जस्ट बी लिखना और इंटर प्रेस करना है। लेकिन इसने कह दिया करेक्ट, एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन। अब इसने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है विच पार्ट ऑफ द स्पीच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बींग, अगर मैं कहता हूँ सी तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट हो गया। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट्स वर्ड फ्रेज एंड क्लॉजेज, अगर मैं कहता हूँ सी कंजंक्शन तो ये भी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, अ कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड फ्रेजेस एंड क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द स्पीच रेफर टू अ पर्सन प्लेस और थिंग और आइडिया, ए लिख के मैंने जो है इंटरप्रेस कर दिया, ये भी आंसर हमारा जो है वो करेक्ट है। और अब मैं क्या करता हूँ जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसका आंसर मैं गलत दूंगा, मैं इसको कह देता हूँ बी। अब देखें ये हमें असिस्ट करेगा, देखें ये कह रहा है इनकरेक्ट, द करेक्ट आंसर इज सी एडवर्ब, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। अब देखें एट द एंड इसने क्या किया, क्विज रिजल्ट बना दिया, करेक्ट आंसर इसने कहा 4 है, एक आंसर आपका जो है वो इनकरेक्ट था, उसके बाद टोटल मार्क्स आपको दे दिए 100 में से 80 और परसेंटेज बता दी 80%, और एक जो है गुड लाइन आपकी एप्रिसिएशन के लिए लिख के दे दी, क्योंकि ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट में सारा कुछ जो है वो मैंने मेंशन किया था कि आप ये देख सकते हैं कदा इनक्रेजिंग लाइन फॉर एप्रिसिएशन। तो इसने जो है हमें एक टेस्ट सिस्टम बना के दे दिया। अब आप ये 20, 100, 200 एमसीक्यूज पे बेस भी जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ चलते हैं, मैंने एक और जो है क्विज बोर्ड बनाने की कोशिश करी है फिज़िक्स के लिए, जिन बच्चों को फिज़िक्स नहीं आती सीखना चाहते हैं, साइंस नहीं आती सीखना चाहते हैं, तो वो ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्विज टेस्ट बना दे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। तो ये फिज़िक्स जो है हमें वो सिखाने के लिए हमसे क्वेश्चंस करेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, मैं कहता हूँ बी, करेक्ट है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, मैं कहता हूँ ए, ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सी लिख के इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग वर्क डन, ए लिख के मैंने जो है इंटर प्रेस कर दिया, ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय ओनली ट्रांसफॉर्म, बी लिख के मैंने इंटर प्रेस कर दिया और ये भी हमारा करेक्ट आंसर था। अब आप देखें आप 5 आंसर्स हमारे ठीक थे और 100 में से 100 हमें मार्क्स मिले। तो मैं अगेन ये बताना चाहूँगा आप 100 एमसीक्यूज भी इससे बनवा सकते हैं
और आप इससे ये कह सकते हैं मुझसे फार्मूलाज पूछें तो ये आपसे फार्मूलाज पूछेगा। नेक्स्ट क्या है, मैंने केमिस्ट्री के लिए बनाया है, गिव मी अ लिस्ट ऑफ 20 बेसिक एलिमेंट्स विद देयर एलिमेंट नेम्स एंड सिंबल्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है, वो टेबल की फॉर्मेट में हमें देगा। आप देखें बेसिक एलिमेंट्स केमिस्ट्री के जो होते हैं हाइड्रोजन एच, हीलियम एच ई, लिथियम, तो ये सारा कुछ इसने दे दिया। आप इससे जो है 10 केमिकल फार्मूलाज भी पूछ सकते हैं। देखिए बिगनर्स के लिए जो है वो फार्मूलाज भी लिख के दे रहा है, वाटर जो है वो H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये आप देख सकते हैं सारे फार्मूलाज इसने लिख दिए, ग्लूकोज के C6H12O6। तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ जानता है, जस्ट आपने जो है इससे टेस्ट सिस्टम बनाना है। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो HTML के ऊपर है, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो मैंने इसको जो है डेवलपर्स के लिए बनाया है ताकि जो है डेवलपर्स को जो बेसिक है वो समझ सकें। तो मैंने इसको कहा आई वॉन्ट टू लर्न HTML फ्रॉम स्क्रैच, मतलब मुझे शुरू से ज़ीरो से सीखनी है, तो मुझे जो है सिर्फ वन लाइन की डिस्क्रिप्शन दीजिएगा और उसके टैग्स और एट्रीब्यूट्स मुझे बताएं। तो ये देखें इसने जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे बता दिया स्टेप 4 एट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ लिख के दे दिया, ये इसके अंदर ऑन टैग है, ये ऑफ टैग है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी जो है वो अच्छे से जानता बखूबी, ये सारा कुछ आपको जो है बना के दे सकता है और इसका टेस्ट भी आपसे कंडक्ट कर सकता है। अब देखें इसने क्या किया, एक टेबल फॉर्मेट के अंदर आपको सारा कुछ बना के दे दिया। और आप इससे ये भी कह सकते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ 20 बेसिक HTML टैग्स, तो ये भी आपको प्रोवाइड कर देगा। ये देखें इसने जो है HTML के टैग्स होते हैं, ये जो डेवलपर्स हैं ये HTML सीख रहे हैं उनको ये बखूबी पता है कि ये इसने क्या काम किया है। तो इस तरीके से जो है हम अपने जो है क्विज टेस्ट बनवा सकते हैं और उससे जो है हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।